आप देख रहे हैं TNN 24x7 और मैं तरुण। कोरोना वायरस के कारण पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व इस समय संक्रमण से झेल रहा है, लेकिन इस बीच हम सभी जानते हैं कि राजनीति भारत में जो कभी नहीं समाप्त होने वाला एक परम सत्य है वो चलता रहता है। इसी बीच मैंने लगातार पिछले कई दिनों से देख रहा था कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, सभी सोशल मीडिया साइट्स पे कई मीम्स, कई वीडियोस और कुछ फोटोज शेयर किए जा रहे थे कन्हैया कुमार से लेकर कि भाई इस समय जब पूरा भारत एकजुट होकर कोरोना से लड़ रहा है तो बिहार के बड़े नेता कन्हैया कुमार कहाँ हैं। अब हमने उनके ट्विटर अकाउंट को खंगाला और जानने की कोशिश की कि इस महामारी में कन्हैया कुमार कहाँ हैं। तो हमें जो जानकारी मिली वो आपको बताते हैं। 26 तारीख को उनका ट्वीट आता है जिसमें ट्वीट में करीब 9 मिनट का फेसबुक वीडियो शेयर करते हैं और उस फेसबुक वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको पहले बता देते हैं। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि हम सभी को चाहिए कि इस समय जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ और जो सरकारें लॉकडाउन से लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं उस दिशा निर्देश को पालन करें और कोशिश करें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें। इसके अलावा जो भी सरकारी दिशा निर्देश मिल रहे हैं उसका पालन करें। दूसरा उन्होंने संदेश क्या दिया था उस वीडियो में, उन्होंने बताया कि जो भी जरूरी चीज़ें हैं सरकार की चाहिए कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको पहुँचाई जाएँ, जो भी उनको आवश्यकताएँ हैं। लेकिन लोगों से भी कहा कि ये काफ़ी ख़राब है और काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। उस समय कुछ खबरें उनको मिल रही थी जिसमें हम सभी जानते हैं कि डॉक्टरों के साथ अभद्रता की खबरें आई थी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के साथ या जो भी इस कोरोना की लड़ाई में लड़ रहे हैं, फ्रंट वॉरियर्स हैं, उनके साथ हमें भद्र व्यवहार करना चाहिए और इस तरह से बचना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि इसमें ज़रूरी है कि हम सभी अपने दोस्तों से और परिवार के लोगों से बातचीत करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब एक साथ बंद रहते हैं तो डिप्रेशन या इस तरह से मानसिक बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा है कि हम सभी को चाहिए कि एक दूसरे से बातचीत करें, व्हाट्सएप से, फेसबुक से या अन्य फ़ोन से भी। इसके अलावा उन्होंने चौथी जो बात कही कि हमें इस समय एक और बड़ा खतरा, जो कोरोना के से बड़ा खतरा एक तरह से भी है, वो है गलत जानकारी का। तो उन्होंने कहा कि हम सभी को ना सिर्फ खुद गलत जानकारी से बचना चाहिए बल्कि घर में जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं अगर उनके पास भी मोबाइल या इस तरह की कोई इक्विपमेंट्स हैं या कोई संसाधन है तो हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास भी किसी तरह की अफवाह ना आए, किसी प्रकार की गलत जानकारी ना आए जिसके कारण पैनिक क्रिएट हो। और ये भी कहा उन्होंने कहा कि उसको आगे किसी तरह से शेयर ना किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम सभी को चाहिए कि सरकारी मदद जो मिल रही है गरीबों को, अगर आपके पास आसपास गरीब हैं तो उनकी भी मदद करें, खाना देकर या जो भी सरकारी हेल्पलाइन है उनकी मदद से उन तक वो सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करें। इसके बाद उनका ट्वीट एक 27 तारीख को आता है जिसमें उस समय हो रहे पलायन को चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि इनके लिए भोजन, रहने और इन सब चीज़ों की व्यवस्था करें। और उसके बाद फिर 28 तारीख को भी एक ट्वीट धन्यवाद का आता है। तो कन्हैया कुमार का ये था, उसके बाद से उनके ट्विटर अकाउंट पर किसी भी प्रकार का कोई नया ट्वीट नहीं था। तो हमें लगा कि लगातार उनको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि बिहार में कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं जब पूरा भारत एक कोरोना से मिलकर लड़ रहा है, तो कन्हैया कुमार कहाँ हैं। वैसे हम आपको बता दें कन्हैया कुमार ना तो विधायक हैं ना सांसद हैं, किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं हैं। एक समय वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जब छात्र थे तो वो लेफ्ट के उम्मीदवारी पर वहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं हैं। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेगूसराय से चुनाव लड़ा था लेफ्ट के उम्मीदवार बनकर और वहाँ उन्हें भाजपा के उम्मीदवार गिरिराज सिंह से चुनाव हारना पड़ा था। अब जब कुछ महीने बाकी हैं चुनाव में बिहार के, तो उस समय एक बार फिर कन्हैया कुमार से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं को खोजा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि कोरोना की लड़ाई में वो कहाँ हैं। आने वाला वक्त तय करेगा कि बिहार की और कोरोना की लड़ाई में किसके साथ कौन खड़ा था, पर बिहार का चुनाव कहाँ जाएगा ये भी आने वाले कुछ महीने तय करेंगे। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा निवेदन है कि आप जहाँ भी हों सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, जो भी सरकारी दिशा निर्देश मिल रहे हैं ध्यान से सुनिए और मानिए उसको। कोरोना को किसी भी प्रकार के हल्के में मत लीजिए। अंधविश्वासों से ना सिर्फ खुद को बचिए बल्कि दूसरों को भी बचाइए। फॉरवर्डेड मैसेज भेजने से पहले उसकी सत्यता पर जांच कर लें। आप देख रहे थे TNN। नमस्कार, ध्यान रखिए अपना।